हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्राची और आज मैं आपको थोड़ा इजी मेकअप टिप्स के बारे में बताऊंगी जो बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कभी कभी किसी मीटिंग में जाते हैं या किसी के घर जाते हैं तो बहुत जल्दी में तैयार होना पड़ता है, या हमारे पास छोटा बेबी हो तो भी बहुत जल्दी तैयार होना पड़ता है हमें। तो बहुत कम प्रोडक्ट्स से और ईजी मेकअप मैं आपको अभी करके बताऊँगी, तो प्लीज़ देखिए। तो सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है अभी और इसमें मैं 5 से 6 प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने चेहरे पे लगाऊंगी ये टोनर, ये मॉम्स को का है। ये बहुत ही अच्छा फेस टोनर है, डेली में हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी रिच है और अल्कोहल फ्री है। सेकंड हम लगाएंगे 9 to 5 लैक्मे का प्राइमर मैट फाउंडेशन, जो कि फुल कवरेज है और परफेक्ट कवर देता है। थर्ड वन हम लगाएंगे, मेरे पास ये रेवलॉन का फेस पाउडर है, मैं ये लगाऊंगी। इसके बाद हम आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप में हम कुछ नहीं ज़्यादा, ये मेरे पास मेबेलिन का कोलोसल आईलाइनर है, ये मैं लगाऊंगी और काजल लगाऊंगी। देन भी है लिपस्टिक, मेरे पास ये नायका की है स्कारलेट 7, तो मैं इसको इसका कलर बहुत अच्छा आता है, मैं इसी को यूज़ करूँगी। तो अभी मैं सबसे पहले टोनर लगा रही हूँ। इसको हम थोड़ा ड्राई कर ले, उसके बाद जब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी तो उसको मैं इस ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूंगी। क्या होता है, ब्रश से जब हम अप्लाई करते हैं तो जो हमारा फाउंडेशन है वो एक्स्ट्रा नहीं लगता कहीं पे भी, मतलब वो वेस्ट नहीं होता है। और अगर हम ब्लेंडर की हेल्प से लगाते हैं तो वो क्या है, उसमें एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे काफ़ी चेहरे पर काफ़ी जो हम लगाते हैं वो उसमें ही ज़्यादा चला जाता है। तो मैं इसकी हेल्प से स्प्रेड करूँगी पूरा अपना। अभी मेरा थोड़ा टोनर ड्राई सा हो गया है तो मैं अभी फाउंडेशन लगा लेती हूँ। ओके, ये मैंने फाउंडेशन लगा लिया है मतलब अपना चेहरे पे। अब मैं इसको स्प्रेड कर लेती हूँ अच्छे से। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा है, इजीली स्प्रेड भी हो जाता है, मतलब लिक्विड है। और जब भी हम फेस पे फाउंडेशन लगाते हैं तो हमें हमेशा अपने लिप्स भी थोड़े से कवर करनी चाहिए, उससे क्या है जो हमारी लिपस्टिक का कलर है वो बहुत प्यारा उभर के आता है, ओरिजिनल आता है। अदरवाइज हम अगर हम लिप्स को कवर नहीं करते तो लिपस्टिक का कलर वो ओरिजिनल नहीं रहता है, वो लिप्स के टोन में चेंज हो जाता है, तो फिर ओरिजिनल कलर कम दिखता है। तो हम जब भी फाउंडेशन अप्लाई करें अपने लिप्स को भी कवर कर लेना चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा हाथ से कर लेती हूँ जहाँ पर भी रह गया है। अभी मैं आपको बहुत गोरी गोरी लग रही होगी पर धीरे थोड़ी देर में ये सेट हो जाएगा तो सही लगेगा, एक्चुअल कलर लगेगा। अब मैं लगाती हूँ फेस पाउडर, ये है मेरा रेवलॉन का फेस पाउडर। ठीक है, ये मैंने लगा लिया है। अब मैं अप्लाई करूंगी ये आईलाइनर अपने फेस पे। ये जो आईलाइनर है इसकी जो स्टिक है वो बहुत ही अच्छी है, इजीली
इसको पकड़ सकते हैं। लाइनर मैंने अप्लाई कर लिया है, ये अच्छे से लग गया है। अब मैं काजल लगाऊंगी। काजल मैं ज़्यादातर हमेशा वियर करती हूँ क्योंकि मुझे काजल के बिना अपनी आईज सूनी सूनी लगती हैं। लाइनर और काजल हमारा अप्लाई हो चुका है। अब है लास्ट वन लिपस्टिक। तो ये मैंने लिपस्टिक भी लगा ली। अब ये हमारा इजी टू फाइव स्टेप मेकअप कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने 5 to 6 प्रोडक्ट ही यूज़ किए जो बहुत ही जल्दी हो जाता है। अब इसके बाद मैं एक और वीडियो शूट करूँगी जिसमें मैं अपना मैंने कुछ और मेकअप के आइटम्स मंगाए हैं purple.com से, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपको अगर इसमें कुछ अच्छा या बुरा लगा है या कुछ और एड ऑन कराना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।